हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम थाली डेकोरेट करने वाले हैं। ये करवा चौथ स्पेशल है तो हम छाननी और लुटिया भी साथ में करेंगे। तो मैंने सबसे पहले थाली ले ली और उस पर मैं एक रेड कलर का वेलवेट पेपर लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने पहले इसमें सर्कल में कट कर लिया है और इसे ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। आप पेपर को रिप्लेस करके यहाँ पर थाली पर कलर कर सकते हैं या फिर कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पूरा पेपर इसमें चिपका लिया और साथ ही मैंने छलने और लुटिया में भी पेपर लगा लिया है। अभी मैंने लेस ली है सिल्वर कलर की, इसे मैं पहले एक राउंड लगा लूंगी बॉर्डर पे। और ये लेस लग जाने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर और पोलन ले लूंगी, इसे मैं लगा लेती हूँ किनारों पे। तो मैं एक पॉलन लगाऊंगी और उसके बाद उस पर एक फ्लावर लगाऊंगी और सेम इसी तरह हम इसका भी पूरा एक राउंड लगा लेंगे थाली पे। तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे अपनी चॉइस के फूलों का और पेपर का यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले पूरा राउंड लगा लेती हूँ फ्लावर को। तो मैंने फ्लावर की पूरी एक राउंड लगा ली है। अब मैंने लिया है यहाँ पे सत्या, तो बस इसका टेप हटाएंगे और इसे चिपका लेंगे। और इसे स्ट्रॉन्ग चिपकाने के लिए आप यहाँ पे ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्लू चिपकाएं और फिर लगा लें। अभी मैंने लिए स्टोन लेस, इसे मैं लगाने वाली हूँ। तो इसे मैंने 2-2 लेयर में कट कर लिया है। तो मैंने 2 लाइन की लेयर ली है और इसी तरह मैं पूरे साइड पर लगाऊंगी। सेम साइज ही मैंने कट की है सारी। तो हम एक साइड पे लेस लगाएंगे और फिर दूसरे साइड पे उसके जस्ट सामने लगाएंगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगेगी। और ये मैंने पूरी लेस लगा ली है। अब यहाँ पे मैं ग्लास लगा रही हूँ, तो मैंने पहले ग्लास इसमें रख लिए थे, अब इसे चिपका लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे ले लूंगी एक लेस जिसे मैं किनारों पे लगाऊंगी। तो ये मैंने टेसल लेस ली है, आप यहाँ पे कोई और भी लेस का यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस से। तो ये मैंने थाली कंप्लीट कर लिया। अब हम छलनी को करेंगे, तो हम उसे थोड़ा डिफरेंट करेंगे इससे। तो ये मैंने छलनी ली और इसके लिए मैंने पतली लेस का यूज़ किया है। तो अब मैं इसमें लेस लगाने स्टार्ट करती हूँ। हमें छलनी में पतली लेस लेना, अगर हम मोटी वाली लेंगे तो पूरा छलनी उसी से केवल कवर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पतली लेस ली है। और इसे मैं दोनों साइड पर लगाने वाली हूँ। तो मैंने ये दोनों साइड पे लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं वापस से यहाँ पे फ्लावर और पोलन ले लूँगी और इसे हम यहाँ पे भुट्टे की तरह लगाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे एक पोलन लगाएंगे और फिर उसके नीचे में 2 फ्लावर लगाएंगे। और इसे हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में करके पूरी छलनी को इसे कवर करेंगे। तो ये मैंने सारे फ्लावर लगा लिए। अब हम बीच बीच में जो जगह बची है वहां पे हम ग्लास लगा लेते हैं। तो ये मैंने छलनी भी बना ली है। अब हम लुटिया डेकोरेट करेंगे, तो इस पे भी मैंने सेम पैटर्न पे लेस लगाई है और सेम पैटर्न पे ही यहाँ पे हम फ्लावर भी लगाने वाले हैं। तो दोनों साइड पे हम फ्लावर लगा लेंगे और सेम उसी तरह से हम पूरी लुटिया को कवर कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में लगा के। और बीच वाली जगह पे इस पे भी हम ग्लास चिपका लेंगे। तो ये मैंने लुटिया भी सजा ली है। तो हमने ये पूरी थाली छलनी और लुटिया डेकोरेट कर लिया है।
आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और यूजफुल भी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।